अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेते हैं, इसमें HVAC में यूज़ होता है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, या इसको आप ग्लो वाल्व भी कहते हैं, जो चिल्ड वाटर लाइन को प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट आपके यूनिट की उसके हिसाब से इसको सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, हम इसका एक छोटा सा व्यू आपको दिखाएँगे, थोड़ी सी डिटेल इसके आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक बेल्सिंग वाटर रेगुलेटर वाल है, तो इसमें आपको पॉइंट दिखाएँगे और प्रेशर को किस तरह ये मेंटेन किया जाता है। ये आप इसमें एक नंबरिंग भी दे सकते हैं और माइनस और प्लस भी दे सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह प्लेट करेंगे तो पानी जो ना उसकी मकदार कम होती जाएगी और पानी बंद हो जाएगा, और अगर हम प्लस की तरफ इसको करेंगे तो ये खुलता जाएगा। जैसा कि आप इसमें एक स्पिंडल देख रहे होंगे, जैसा कि आप इस ये वाली जगह पे आपको नज़र आ रहा है चौरस, तो जो गेट वाल होता है या बाल वाल होता है या दूसरा था, वो अगर आप उसको थोड़ा बहुत काम खोल देते वो प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता, प्रेशर फिर भी मेंटेन हो जाता है। लेकिन प्रेशर को अगर कंट्रोल करना हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप उसको ये वाला वाल इसकी जगह यूज़ होता है, वाटर बैलेंसिंग वाल या वाटर रेगुलेटर वाल यूज़ किया जाता है। तो ये जैसा कि आप इसको दे रहे हैं, इसको लगाना भी इस तरह है जैसा कि इसमें एरर का निशान बना हुआ है। जिस तरफ आपने सप्लाई देनी है तीर का निशान, उस तरफ रखना है जैसा ये आपको नज़र आ रहा है। और ये ना 1.5 इंच का वाल है, तो ये ब्रास कास्ट जो होता है पीतल उसका बना हुआ है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसको मेजरमेंट लगा के इसको वाटर बैलेंस कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको तो इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको लूज़ कर लिया, जैसे मैं घुमाता जाऊँगा यहाँ पे रीडिंग भी आप देखेंगे, रीडिंग चेंज होना शुरू हो गई है। तो इसको मैं ऑपरेट करता हूँ, घुमाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप प्लस की तरफ करेंगे ये खुलता जाएगा, यहाँ पे आप रीडिंग भी देखेंगे, रीडिंग भी चेंज हो रही है। तो यहाँ से ये खुलना शुरू हो गया। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ना टेफ्लॉन की वाशर है, जो कि इसके लीकेज को अच्छे तरीके से पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, जो इसके प्रेशर को मेंटेन करने का यहाँ से भी नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से पानी इंटर होगा और इधर से फिर वो अपना रेगुलेट होकर बाहर आएगा प्रेशर को मेंटेन करता हुआ। तो इसको मैं करता हूँ आप उसके हिसाब से। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त तो ये फुल ओपन हो गया है। अब जो पानी इसमें से इंटर होगा वही पानी उतने ही प्रेशर से बाहर आ जाएगा। अगर आपने उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से AHU के या फैन पर कोई भी यूनिट है उसको मेंटेन करके देना है, या उसके बाहर PSI सेट करना है, तो उसके हिसाब से आप उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको काम की लगे तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।